6 दिसंबर 2019 को जारी अध्यादेश के बाद लखनऊ नगर निगम के आसपास आने वाले लगभग 88 गांवों को नगर निगम में सम्मिलित किया जा चुका है। अब इन गांवों के विकास की रफ्तार बढ़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नगर निगम की सीमा में आए 88 गांवों में हैंडपंप और चौराहों पर स्ट्रीट लाइट पोल लगाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके अलावा विशेष गैंग बनाकर रोस्टर के आधार पर साफ सफाई कराई जाएगी, साथ ही सरकारी जमीन चिन्हित करने का काम भी जल्द पूरा किया जाना है। अपर नगर आयुक्त अमित कुमार के मुताबिक सभी 88 गांवों में जहां हैंडपंप लगाए जाने हैं उसे लेकर जल निगम को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। इसके लिए बजट की मांग शासन से की जाएगी, साथ ही जन सुविधाओं की कितनी जरूरत है उसकी रिपोर्ट भी जल्द तैयार करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को नगर आयुक्त की ओर से दिए गए हैं। स्तर की सरकार है, चाहे वो ग्रामीण पंचायतें हों या फिर नगर पंचायतें, नगर पालिका या नगर निगम हों, उनके द्वारा जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें साफ सफाई, मार्ग प्रकाश और जो सौंदर्यीकरण के कार्य होते हैं, इनको कराया जाता है। इसी के अंतर्गत 6 दिसंबर 2019 को जो अध्यादेश माननीय राज्यपाल जी के द्वारा जारी किया गया, उसके अंतर्गत 88 ऐसे गांव जो कि लखनऊ नगर निगम के इर्द गिर्द थे, उनको नगर निगम में सम्मिलित करने हेतु अनुमोदन दिया गया। तदुपरांत 30 सितंबर के बाद वहां की ग्राम पंचायतों के समाप्ति के कार्यों की समाप्ति के बाद नगर निगम ने अपनी कार्रवाई को वहां पर तेज किया है, जिसके अंतर्गत यहां पर हमारी जो संपत्तियां हैं उनका सर्वेक्षण, साथ ही साथ ऐसे स्थान जहां पर की बसावट है उन जगहों पर बेसिक मूल सुविधाएं, चाहे वो साफ सफाई की हो या मार्ग प्रकाश, उसके बारे में लगातार एनालिसिस किया जा रहा है। साफ सफाई की कार्रवाई जो है हम लोग जो है इसको दौरा लगा करके करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, साथ ही साथ मार्ग प्रकाश की जहां जहां आवश्यकता होगी उसको धीरे धीरे कराने का प्रयत्न किया जाएगा। सर, इस काम के लिए आपके द्वारा टीमें भी बना दी गई हैं और रोस्टर भी बना दिया गया है, किस तरीके से रोस्टर वाइज काम किया जाएगा इस पर पूरा? हमारा जो नगर निगम है उसके अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, चाहे संपत्ति विभाग हो, मार्ग प्रकाश विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, टैक्सेशन का जो हमारा विभाग है, साथ ही साथ हमारे सिविल वर्क का जो इंजीनियरिंग विभाग है, इन सभी लोगों को इसके बारे में लिस्ट दी गई है और एक टेंटेटिव इसका डिवाइडेशन, चूंकि भी इन जगहों पर हमारे नगर निकाय के जो चयनित सभासद प्रतिनिधि हैं वे उसका जो है प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो ऐसे में नगर निगम के नगर आयुक्त के द्वारा वहां पर विकास के कार्यों के अनुमोदन दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे सिविल के कार्य होंगे या फिर मार्ग प्रकाश के काम होंगे या सफाई के काम होंगे या टैक्सेशन के कार्य होंगे या उद्यान के कार्य होंगे, इन सभी सबके बारे में जो संबंधित विभाग अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे तहसीलदार हों या चीफ इंजीनियर लाइट मैकेनिकल हों या सिविल वाले हों, इनको सबको बताया गया है कि इन जगहों का सर्वेक्षण करें और तदुपरांत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें और नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुरूप वहां पर विकास के कार्य कराए जाने के प्रयत्न किए। नए गांवों के उन भवनों का रिकॉर्ड गृहकर के लिए कंप्यूटर में जल्द फीड किया जाएगा जो उसके दायरे में आ रहे हैं। मुख्य अभियंता, सिविल और तहसीलदार संयुक्त रूप से 88 गांवों के लेखपालों से संपर्क कर सीमाओं का चिन्हांकन करेंगे। विस्तार के बाद नगर निगम सीमा के पिलर शहर में लगवाए जाएंगे। न्यूज़ प्लस के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।